तो आज गुरखा का ऑफ रोडिंग का उद्घाटन हो ही गया। ऐसी ट्रेन मिल गई और मैं आया हूँ चिकमंगलूर, और इस जगह का नाम है कॉफ़ी बेरी हिल्स। इट्स अ हिडन जेम, बड़ी मुश्किल से मुझे भी जो है मेक माई ट्रिप पे मिला था। और आइए थोड़ा एक राउंड लेते हैं प्रॉपर्टी का और अपनी गुरखा भी देख लेते हैं। ये खड़ी है गुरखा अपनी पार्किंग लॉट में। देर आर ओनली अराउंड आई थिंक 8 रूम्स ओवर हियर, दो पीछे की तरफ हैं, जैसे रूम नंबर 1 एंड रूम नंबर 2। और मेरा रूम नंबर 1 है बिकॉज मैंने बिल्कुल सुबह सुबह बुकिंग करी थी आज, अगर मुझे चेक इन करना था। बाकी सारी बुकिंग हो चुकी है। और उस तरफ जो आपका वैली व्यू है, जहाँ से आपको मुलियनगिरी पीक दिखाई देगा और बाबा बुडनगिरी पीक दिखाई देगा, विच आर क्वाइट फेमस इन चिकमंगलूर, तो वो उस तरफ पड़ेंगे आपके अपोजिट साइड में। तो मैं प्रॉपर्टी के इस वक्त पीछे और पार्किंग साइड में हूँ। ये रही मेरी गुरखा। बहुत से लोगों से मुझे प्रशंसा मिलती सड़क पे भी, और जब भी मैं बैंगलोर घूमता हूँ। सो फार सो गुड। आज इसका उद्घाटन भी हो गया, 4x4 लगाया ऊपर आने के लिए, बिकॉज कच्ची सड़क थी यहाँ आने के लिए और काफ़ी पीक पे था। तो आइए थोड़ा प्रॉपर्टी का एक व्यू लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे सामने बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ पे एक। लास्ट टाइम मैं रुका था यहाँ पे, गेटवे ताज की प्रॉपर्टी है। एक दिन का भाड़ा भी 15,000 था। सर्विस स्टोन की एग्जाम्पलरी थी, बट व्यू कुछ नहीं था एंड आई फेल्ट लाइक चीटेड, बिकॉज चिकमंगलूर में अगर आप आए हो और अगर आपको व्यू नहीं मिला तो आपने क्या किया यहाँ पे। तो ये थोड़ा सीटिंग कॉमन एरिया है और यहाँ पे गैलरी देख सकते हैं आप, जो है क्रिसमस सेलिब्रेशंस को लेके जो है इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन कर रखा है। एंड व्यू देखना चाहते हैं तो ये रहा मेजेस्टिक व्यू, एंड आई थिंक दे हैव द बेस्ट व्यू राइट नाउ चिकमंगलूर। प्रॉपर्टी को ओपन हुए हुए आई थिंक अबाउट 3 to 6 months हुए हैं। मेरी प्रॉपर्टी मैनेजर से बात हुई थी यहाँ पे और उन्होंने मुझे बताया कि दिसंबर वॉज फुल्ली बुकड, इवन दो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस नेम एंड दिस प्लेस, बिकॉज जब भी आप चिकमंगलूर टाइप प्लेसेस पे आते हो तो गूगल सर्च पे भी इनका अभी जो है पेज 1 or 2 पे रैंक नहीं दिखाता है। ये मुझे एकदम से आज अचानक कैसे मिल गई। मैं सवेरे सवेरे जो है हॉस्टल्स चेक कर रहा था अपने कि यार चलो आज रात को कहाँ रुकेंगे, और फिर मैंने सोचा कि भाई मुझे गोकर्णा जाना है तो 2 दिन के लिए मैं पिट स्टॉप कहाँ पे लूँ। तो जब पिट स्टॉप लेने गया तो हॉस्टल का फिर मैं मैप खोल के बैठ गया, फिर नियर बाई प्लेसेस देखने बैठ गया, फिर मुझे ये ठीक लगा, फिर मैंने इनकी गूगल रिव्यू देखी, वहाँ कुछ फ़ोटोज़ थी, और फ़ोटोज़ पे देखने के बाद मैंने मन बना लिया कि भाई आज चलो पैसे ठोक ही देते हैं और देख लेते हैं, और मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। होटल का प्रॉपर्टी मैनेजर भी बड़ा अच्छा था, ही वॉज फ्रॉम हिमाचल, आई मीन ही इज़ फ्रॉम हिमाचल, वेरी यंग आई थिंक अराउंड 24-23 टाइप्स, एंड ही गिव मी अ फुल आइटनरी कि आप यहाँ पे अगर 2 दिन भी है तो क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए पूरा एक व्यू देखते हैं, एक पूरा पैन शॉट लेते हैं। माइंड मत करिएगा ज़्यादा, मेरे पास आज गियर नहीं है वीडियो शूट करने के लिए, बट बिकॉज मुझे घूमने का बहुत शौक है गाड़ी में और हिडन जेम्स ढूंढने का, स्पेसिफिकली जो अनचार्टेड टेरिटरीज होती है, बिकॉज शौकीन लोग ही जो है मेहनत करते हैं ऑनलाइन कि यार हम कहाँ रुकेंगे अब की बार। रन ऑफ द मिल प्लेसेस में नहीं जाते, भीड़ भड़ाके वाली जगह पे नहीं जाते हैं, क्योंकि फिर अगर मेरे को वही सिटी लाइफ का शोर मिला, वही कचकच मिली जो लोग करते रहते हैं, वही बच्चे कूदते फिरते मिलेंगे, तो यार चैन व अमन कहाँ मिलेगा। नथिंग अगेंस्ट किड्स बट यू नो व्हाट आई मीन राइट। एंड ये इनका खुद का ही कॉफ़ी प्लांटेशन है, सुबह ट्रैक भी करा सकते हैं ये लोग, 7 बजे वो ट्रैक का इनका वो खुलता है, यू नो टाइम खुलता है, गाइडेड टूर भी कर सकते हैं आप। पूल फेसिंग जो है बिल्कुल व्यू फेसिंग है, तो यू विल लव दिस। ये एक लिमिटेड प्रॉपर्टी ही है, आई मीन जैसे मैंने दिखाया 4 कमरे आगे 2 पीछे, टोटल 6 हैं सॉरी, एंड दिस इज़ द फुल 360 डिग्री व्यू। एकांत अगर आपको पसंद है, पीस ट्रैंक्विलिटी टाइप के बंदे हैं आपकी, यू नो भीड़ भड़ाका नहीं चाहिए, और ये सवेरे सवेरे जो है क्लाउड्स घेर लेते हैं हिल्स को जो सामने दिख रहे हैं। ये जो है ये आपका पीक है विच इज़ मुलियनगिरी पीक, विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन कर्नाटका का, बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे लोग आते हैं, और एक छोटी सी हाई के नीचे गाड़ी पार्क करके फिर जाना पड़ता है, देर आर स्टेप्स, और इंजॉयबल है काफ़ी वो, थोड़ा सांस फूल जाता है और पर थोड़ी देर में पानी पानी भी मुंह पे लगना शुरू होता है बिकॉज क्लाउड्स आ जाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही सीनिक व्यू है, असली गज़ब। तो आई मीन असली मज़ा तो तभी है कि जब आप यहाँ पर यू नो इस चेयर पे पीछे बैठेंगे, चाय पियेंगे और ये व्यू देखेंगे सवेरे सवेरे, बट दिस इज़ अमेजिंग। तो थैंक यू, आपने मेरा पहला वीडियो देखा, छोटे छोटे क्लिप्स मैं बनाता रहूँगा, फिर मिलेंगे थोड़े दिनों में, अगला स्टेप गो करना है, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।